और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली है, उसकी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई गई है, ये देख लीजिए बुलेट का निशान जो गाड़ी में सीट को चीर कर गया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर ये जानलेवा हमला हुआ था, चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई हैं और ये कहा जा रहा है कि इस फायरिंग में बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद। उनकी हालत कैसी है इसके बारे में और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, देखिए गाड़ी में शीशा बिल्कुल चकनाचूर पड़ा हुआ है, बुलेट के निशान गाड़ी पर भी और गाड़ी की सीट पर भी, देखिए चीरती हुई बुलेट गई है, वहीं बैठे हुए थे चंद्रशेखर आजाद। ये जानलेवा हमला, कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चलाई है, तस्वीरें देखिए। और दूसरी तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वो चंद्रशेखर आजाद की देख रहे हैं, गाड़ी में किस तरह से जब हमला हुआ तो वो पिछली वाली सीट पर कैसे नीचे झुक गए थे, तब की ये तस्वीरें। वो घायल भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाल बाल बचे हैं चंद्रशेखर आजाद, ये बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि गोली उनको छूकर निकल गई, अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और उसके बाद वो वहां से भाग गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, और ये देवबंद में हुआ है, देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर ही जानलेवा हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रही हूं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब बड़ी बात यह है कि हमला करने वाले कौन, हमला करने वालों को क्या जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, सवाल देखिए यहां पर बड़ा है, क्योंकि बुलेट का निशान भी आपको गाड़ी पर दिखा रही हूं, सीट पर बुलेट चीरती भी गई है, शीशा चकनाचूर गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं आप हमला कैसे हुआ होगा, बुलेट फायरिंग की गई अंधाधुंध उनकी गाड़ी पर, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद देखिए पिछली सीट पर कैसे घायल पड़े हुए थे, घायल अवस्था में उनकी ये तस्वीर सामने आई है। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ये तस्वीरें देवबंद में ये हमला हुआ है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की हालत कैसी है उस पर भी अपडेट लेने की कोशिश है। अभी बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गोली उन्हें छूकर निकली है, लेकिन उस फायरिंग का अंदाजा लगा लीजिए जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि शीशा चकनाचूर हो गया, बुलेट चीरती भी गई है सीट्स को और गाड़ी को, ये देखिए गाड़ी पर बुलेट के निशान है और ये तस्वीरें देवबंद से आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवबंद की, जहां पर चंद्रशेखर आजाद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बुरी तरह से घायल है। ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में देखिए बुरी तरह से घायल पड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। शायद इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है उस वक्त होश में भी नहीं होंगे, क्योंकि बुलेट उनको छू कर निकली है ऐसा बताया जा रहा है। बाल बाल बचे हैं, ये जानलेवा हमला था उन पर। ये तस्वीर देखिए किस तरह से मेडिकल एड उन्हें दिया गया अस्पताल पहुंचते ही, लेकिन सहारनपुर में देवबंद में अंधाधुंध फायरिंग किसने की है चंद्रशेखर आजाद पर, सवाल यह है। वो गाड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देवबंद में जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद पे, उनको अस्पताल ले जाया गया है और ये कहा जा रहा है कि स्टेट हाईवे के पुल के नीचे से सर्विस लेन से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, हरियाणा नंबर की यह गाड़ी थी जो कि आई और वहां से अंधाधुंध फायरिंग कर भाग गए और ये जो गोली है उसके छर्रे उन्हें लगे हैं ये बताया जा रहा है, जिसमें वो घायल हुए, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त जो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। और हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि इस पर और अपडेट लेंगे, कहां जा रहे थे चंद्रशेखर आजाद, क्या किसी तरह की कोई धमकी उन्हें मिली थी, क्या किसी तरह की कोई शिकायत उन्होंने इससे पहले कराई। लोमस क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये हमला हुआ चंद्रशेखर पे, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि कार से कुछ हमलावर आए थे और हमलावर अचानक चंद्रशेखर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उनके पेट में, बताया जा रहा है कि पेट में एक गोली छू के निकलती है, उसके बाद वो घायल हो जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर जब वो पहुँचते हैं तब उन पर यह हमला होता है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है और लगातार ही पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर को गोली लगी है और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जी ये तस्वीरें चंद्रशेखर आजाद की आपको दिखा रहे हैं और अपडेट आगे लेंगे क्योंकि उनकी हालत पर क्या अपडेट आ रहा है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर हमें बताया जा रहा है कि बयान भी आ रहे हैं, गोली छूकर निकल गई है ऐसा पुलिस बता रही है। पुलिस ने ये बात रखी है कि गोली उन पर चलाई गई, फायरिंग की गई और गोली छूकर निकल गई। ये अस्पताल से तस्वीरें आ रही है क्योंकि उनके समर्थक भी जुड़ने शुरू हो गए। ये देवबंद में अस्पताल की तस्वीरें जहां पर चंद्रशेखर आजाद को ले जाया गया और वहां पर अब उनके समर्थक भी जुट रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल पहुंचाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें सहारनपुर से जहां पर चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी है और अपडेट का भी हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का बयान सामने आ गया है कि गोली के छर्रे छूकर निकले हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है।